हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे पहले से ही कहता आया हूँ कि आपको कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो मिल रहा है, तो आप जुड़े रहिए अपने कुन सर के साथ और कंटिन्यू वीडियो वॉच कीजिए। आज जो मैं आपको वीडियो दे मतलब आपको जो लेसन बताने जा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, वो लेसन है हमारा मोरल्स एंड एक्जुलरी। अब मोरल्स एंड एक्जुलरी क्या है, हम लोग यहाँ पर जरा गौर करेंगे कि मोरल्स किसको कहते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि जो वर्ब होता है उस वर्ब का मेनली टू पार्ट होता है, दो भेद होता है, जिसमें एक मेन वर्ब बताया था और दूसरा एक्जुलरी बताया था। फिर आप एक्जुलरी को अगर आप काइंड करते हैं तो फिर दो आता है, एक हेल्पिंग आता है और एक मोडल आता है। तो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो हम केवल और केवल मोडल्स के बारे में बात करने वाले, कि मोडल्स वर्ब क्या है या किसको कहेंगे और कैसे मोडल्स वर्ब को हम लोग पहचानेंगे और मोडल्स वर्ब की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो हम आपको एक बात बता दे कि मॉडल जो होता है वो इंग्लिश में आपको 13 मॉडल्स होता है। मैं आपको वो लिखकर दिखा रहा हूं कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। तो आपको याद रखना है मॉडल्स में ये रहेंगे, तो ये है हमारे मॉडल्स। आप यहाँ पर गौर कर सकते हो, ये है हमारे 13 मॉडल्स। आप याद रखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स होते हैं 13। आप याद रखेंगे मॉडल्स कितने होते हैं, 13। तो हम आज इसी मॉडल्स के बारे में जानने वाले हैं कि इस मॉडल्स का यूज हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, या मॉडल्स का यूज कैसे होगा और क्यों होगा, और यूज करते समय हमें क्या क्या बारीकियां या क्या क्या हमको प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बरतना होगा, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग आपको आज यहां बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मॉडल्स है क्या। तो मॉडल्स जो होता है वो किसी भी मेन वर्ब के साथ यूज होकर उस मेन वर्ब का मोड बताता है, दैट मीन्स उसकी अवस्था को एक्सप्लेन करता है कि कार्य की क्या अवस्था है, या काम किस अवस्था में या किस अवस्था में कार्य होने वाला है। तो ये अवस्था को जो बताता है उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप यहां पर गौर करो, ही कैन विन। देखिए अवस्था क्या है, ये कह रहा है कि ही कैन विन, वो जीत सकता है, जीतता नहीं है। अगर वो काम होने की डिफिनेटली रहेगा तब वहां पर मोड का प्रयोग नहीं, मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रख लो कि अगर कोई काम होने की सर्टेनिटी यानी कि वो काम घटित होता है या हो रहा है या होगा, ऐसा कोई अगर घटना रहता है तो वैसे घटना के साथ हम लोग मॉडल्स का यूज नहीं करते हैं। एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हो कि मॉडल्स का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी हम लोग काल्पनिक घटना के बारे में बात करना है, काल्पनिक घटना के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उस काल्पनिक घटना को बात करने के लिए हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर बताया कि ही कैन विन, मैं एक इमेजिन कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं कि वह जीत सकता है, गारंटी नहीं कि वह जीत सकता है। जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं, यह घटित थोड़ी घटना नहीं है, यह घटना ये होता है ऐसा नहीं है या हुआ नहीं है, ये मैं आपको कल्पना बता रहा हूं कि आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो मैं आपको एक शब्द ऐसे ही बता दिया कि कोई भी कार्य जो काल्पनिक होता है उस काल्पनिक कार्य को जब हमको एक्सप्रेस करना होता है, व्यक्त करना होता है, तो उस काल्पनिक कार्य को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉडल का यूज करते हैं। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि मॉडल एक ऐसे वर्ब है जो किसी मेन वर्ब के साथ प्रयोग होकर उसकी अवस्था को एक्सप्रेस करता है, दैट मीन्स ऑर्डर को डिनोट करेगा,
पॉसिबिलिटी को डिनोट करेगा, रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा। तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स वर्ब बोलते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर रहे कि मॉडल्स कभी भी अकेला प्रयोग नहीं होगा, जब भी होगा तो किसके साथ होगा, मेन वर्ब के साथ होगा। यानी मॉडल्स कभी भी अकेला सेंटेंस में यूज नहीं होगा, जब भी होगा तो मेन वर्ब के साथ होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि मॉडल्स के साथ अगर मेन वर्ब का यूज होगा तो वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज कोई रूप नहीं होगा। अगर अन्य वर्ब का अगर यूज हुआ तो उसके साथ हैज, हैव, हैड ऐसा कोई ना कोई उसके साथ लग जाएगा, तो ही वर्ब का अन फॉर्म यूज होगा, अदरवाइज वहां पर वर्ब का अन फॉर्म का यूज नहीं होगा। ऑलवेज हमेशा क्या होगा, तो वर्ब वन का यूज होगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूं, आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये आप याद रखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमके बाद हम लोगों को मॉडल्स के बारे में याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको मॉडल वर्ब के साथ याद रखना है, मैंने आपको अभी बताया मॉडल्स के साथ जब भी यूज होगा तो क्या रहेगा, वर्ब यानी कि मेन वर्ब रहेगा। और मेन वर्ब रहेगा तो हमेशा किस रूप में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। पहला पॉइंट याद रखना है कि मॉडल्स कभी भी अकेला यूज नहीं होगा। जो एक्सिलरी होता है यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो अकेले हो सकता है, जैसे यहां पर मैं कह सकता हूं ही इज अ बॉय। अब यहां पर देख लो ही इज अ बॉय में इज आपको मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब का काम करेगा। बट आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ही कैन और कुछ है ना, ही कैन इन द रिवर, आप ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ही कैन इन द रिवर मतलब नहीं होगा, या तो ही कैन भी कर सकते हैं तो वह नदी में हो सकता है, या ही कैन जंप लगा सकते हैं, जंप तब यहाँ पर हो जाएगा इन टू द रिवर, वह नदी में कूद सकता है। मतलब ये हुआ कि मॉडल्स वर्ब हमेशा किसके साथ होगा, वर्ब वन के साथ होगा। वर्ब वन रहे मेन वर्ब रहेगा, और मेन वर्ब रहेगा तो क्या ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि मॉडल्स वर्ब जो होता है ना, आप ये याद रखो मॉडल्स वर्ब है ना, मॉडल्स के साथ कभी भी डू डज डिड इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा। आपको रिमेंबर रखना है कि मॉडल्स के साथ कभी भी डू डज का यूज नहीं होगा। क्यों, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में। कहेगा भाई इसका यूज कैसे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ही गोज होम। आप यहां पर देख लो, अब अगर इसका हमको निगेटिव बनाना होगा तो मुझे यहां पर बनाना होगा ही डज नॉट गो होम। आप देख लो ही डज नॉट गो होम, हमको ये बनाना होगा। बट अगर मॉडल्स है तो जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहता हूं आई कैन प्ले, तो अगर इसका हमको निगेटिव बनाना होगा तो हमें डू डज डिड की आवश्यकता नहीं है। निगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट प्ले, बस हो गया उसका निगेटिव बन गया। यानी मॉडल का नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज डिड का यूज नहीं करना होगा, या हमें अगर इसका इंट्रोगेटिव भी बनाना होगा तो हमें डज का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। बट इसका अगर हमको इंट्रोगेटिव भी बनाना है तो हम वहां पर सीधा लिखेंगे कैन आई प्ले, हम यहाँ पर सीधा ऐसे लिख देंगे, हमें किसी अन्य ज्वेलरी की आवश्यकता नहीं है। यानी मैंने आपको दो पॉइंट बताया कि मॉडल्स हमेशा वर्ब वन के साथ यूज होगा, वर्ब मेन वर्ब के साथ होगा, और मेन वर्ब का कौन सा रूप रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सेकेंड मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स के साथ डू डज डिड का यूज नहीं होगा। क्यों, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ जनरल वे में आप प्रेजेंट में देखिएगा तो डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। बट मॉडल्स का अगर साथ यूज होगा, यानी मॉडल्स अगर यूज हुआ है तो उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपको नेक्स्ट मैं पॉइंट बता दूं, थर्ड पॉइंट। एक तो मैंने बताया कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज नहीं लगेगा। अब
सिंपल प्रेजेंट में जैसे आप देखते होइएगा कि थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस लग जाता है। जैसे मैं आपको सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने अभी लिखा था ही, अगर ही के साथ अगर कोई भी वर्ब लगाइएगा तो उसमें एस या ईएस लग जाएगा, या सी भी अगर आप यूज करते हैं तो आप इसमें क्या लगा देते हैं, सी गोज। बट आपको याद रखे, जो ही मॉडल वर्ब अगर इसके साथ यूज हो गया तो मॉडल वर्ब के साथ यूज होते वहां पर एस या ईएस का यूज नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ही के साथ अगर आप विल ही लगा लो, ही विल प्ले, यहां पर आपको एस या ईएस नहीं लगेगा। या आप सी के साथ भी लगाओ, क्या हो जाएगा, सी विल गोज है तो मैं यहां पर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, गो, शी विल गो। यानी यहां पर हमको पॉइंट ऑफ एक ये निकल कर आया कि अगर हमको देखते हैं थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आता है सिंगुलर नंबर तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उसी सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब का अगर यूज हो जाता है तो वहां पर हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। आपको अब आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बता दूं, कहता है कि मॉडल वर्ब जहां भी मॉडल वर्ब आएगा उसके साथ इन्फिनिटिव का यूज नहीं होगा या जेरंड का यूज नहीं होगा मेन वर्ब के साथ। ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर मेन वर्ब अगर आया तो उसके साथ ना इन्फिनिटिव का यूज करेंगे और ना हम जेरंड का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर आप कह सकते हैं, है ना, आई एम टू प्ले, जैसे एम टू प्ले, मैं खेलने वाला हूं। अब यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी हेल्पिंग के जगह पर अगर कोई मॉडल लग जाता है, जैसे मैं यहां पर बताऊं, ही मे प्ले। अब देखो यहां पर हेल्पिंग था तो टू लगा है, बट अगर यहां पर मॉडल आया तो यहां पर हम लोग टू यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, आई कैन जंप। यानी जहां भी मॉडल वर्ब आ जाएगा तो मॉडल वर्ब के साथ हम लोग इन्फिनिटिव का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये बात हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता दें, पॉइंट नंबर 5, कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आप मॉडल का यूज करते हैं तो मॉडल का यूज करेंगे क्यों, तो मॉडल का यूज हम लोग करेंगे पावर दिखाने के लिए। अगर किसी भी सेंटेंस से हमको पावर का एक्सप्रेस करना होगा, पावर व्यक्त करना होगा, तो वहां पर हम लोग मॉडल का यूज करेंगे। अगर हमको एबिलिटी बताना होगा, देख लीजिएगा मैं पूरी पॉइंट आपको क्लियर करके बता रहा हूं, अगर पावर बताना हो तो मॉडल का यूज करेंगे, एबिलिटी बताना हो तो अब हम लोग मॉडल का यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी बताना हो है ना, पॉसिबिलिटी बताना हो तब वहां पर हम लोग मॉडल का यूज करेंगे, अगर हमको एडवाइस देना हो, एडवाइस, तब वहां पर हम लोग मॉडल का यूज करेंगे, अगर हमको सजेशन देना हो, हमको सजेशन देना हो तो उस सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, मॉडल का यूज करेंगे। और भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं, अगर हमको क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट व्यक्त करना हो तो उस रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, मॉडल का यूज करेंगे। अगर हमको, है ना, पावर हो गया, एबिलिटी हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, एडवाइस हुआ, सजेशन हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, तो इस ढंग का अगर क्या कहते हैं कि हमको व्यक्त करना हो, ये सब इटीसी आप ध्यान दे सकते हैं इटीसी, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मॉडल का यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर पावर व्यक्त करना हो मॉडल का यूज करेंगे, एबिलिटी व्यक्त करना हो मॉडल का यूज करना हो, पॉसिबिलिटी व्यक्त करना हो मॉडल का यूज करेंगे, एडवाइस व्यक्त करना हो मॉडल का यूज करेंगे, सजेशन देना हो मॉडल का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट करना हो मॉडल का यूज करेंगे। तो इस ढंग से हम लोग क्या रखते हैं, मॉडल को ध्यान देखते हैं।